बुलंदशहर में समाज सेवी संस्था राष्ट्र चेतना मिशन की 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कर्ष योजना करने वाले मेधावी छात्र तथा समाज के गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अमित आजाद तिवारी ने देश के स्वाधीनता संघर्ष में सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे कई क्रांतिकारियों के बलिदान और समर्पण का बड़ा ही भावुक वर्णन किया। इसके साथ ही अमित आजाद ने बताया कि लखनऊ के हिंदनगर में चंद्रशेखर आजाद जी की विश्व की सर्वाधिक ऊंची कांस्य प्रतिमा के निर्माण हेतु लक्ष्य आजाद के रूप में व्यापक जन जागरण जारी है। उन्होंने वर्तमान युवा पीढ़ी को देश के उन महानायकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव बनाए रखने का आह्वान किया। बता दें, इस कार्यक्रम में शिक्षा, खेल, कला एवं विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त करने वाले लोगों को फूलमाला, प्रशस्ति पत्र एवं भारत माता का चित्र भेंट कर अभिनंदन किया गया। बता दें, इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विशिष्ट लोग सम्मिलित रहे। मुझे खुशी है कि आजाद जी के जन्म दिवस पर एचआरए की तरफ से एक लक्ष्य रखा है, जिसका नाम रखा है लक्ष्य आजाद, जिसमें पूरे विश्व भर में सबसे ऊंची आजाद जी की मूर्ति बनाई जा रही है, जिसका इनॉग्रेशन हो चुका है। तो पढ़ने पर इस मुहिम को, इस लक्ष्य को मैं अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देने चाहूंगा। जो लोग भी इनके साथ जुड़े हैं, जो संगठन जुड़े हुए, उन सभी को मैं यही कहना चाहूंगा, इस लक्ष्य को पूरा करें। विजयी को कह सकता हूँ, शक्तिमान को कह सकता हूँ, बनाइए उनका, क्योंकि बच्चा बच्चा जाना चाहिए आजाद जी ठीक हो। बहुत से हमारी सामाजिक संस्था राष्ट्र चेतना मिशन की सेवा साधना के 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में प्रतिभाशाली मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे अमर क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद जी के प्रपौत्र श्री अमित आजाद तिवारी जी का ओजस्वी संबोधन और उद्बोधन हम लोगों को प्राप्त हुआ। हमने आज की इस युवा पीढ़ी, जो अपने अपने क्षेत्र के टॉपर हैं, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, इन सब का आह्वान किया कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन, परिवार, समाज, नौकरी के साथ साथ इस देश, इस समाज, इस राष्ट्र के लिए भी कुछ योगदान करें। माई नेशन फॉर माई कैरियर, माई कैरियर फॉर माई नेशन, अपने कैरियर को अपने देश के लिए समर्पित करें, इसी भाव के साथ में यह भव्यता के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। और हम अपने सभी आए हुए इन अतिथिगणों का हृदय से अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हैं। और भाई अमित आजाद जी के माध्यम से जो लक्ष्य आजाद, जो यह बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है लखनऊ में एक भव्य प्रतिमा आजाद जी की लगाने का, उसमें सभी लोग मनोभाव से यथासंभव सहयोग करने का संकल्प लेते हैं। राष्ट्रीय चेतना मिशन के 7वें स्थापना दिवस पर आप बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो इस संगठन को मेरी शुभकामनाएं, और जिस प्रकार से राष्ट्रीय चेतना मिशन के जो युवा इस संगठन में लगे हुए हैं अपने कार्य में, वो अपने दायित्व को समझ रहे हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि जहाँ पर एक तरफ मैं युवा को देखता हूँ, कोई नशे की तरफ भाग रहा है, कोई दूसरी तरफ भाग रहा है, उनको अपने सामाजिक दायित्व की चिंता नहीं या उन्हें अपने कर्तव्य का भान नहीं है, लेकिन ये संगठन इस प्रकार का है, उसको देख करके और उस कार्यक्रम में आकर के मैं बहुत कृतार्थ हुआ। और जिस प्रकार से प्रतिभाओं का यहाँ पर सम्मान हुआ है, वो निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि ये होनहारों का जो भविष्य है, उनके उसमें एक जो लौ जल रही उसमें तेल डालने के कार्यक्रम इस तरह के काम करते हैं। क्या संदेश युवा या बच्चों के लिए देना चाहेंगे आज जनपद बुलंदशहर की धरती पर? बुलंदशहर की धरती पर मैं आया हूँ और यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये देश हमारा है। जिस प्रकार से, चूँकि मैं शहीद परिवार से आता हूँ, जिस प्रकार से हमारे क्रांतिकारी मर गए, मिट गए, सब कुछ उन्होंने दांव पर लगा दिया, उसी प्रकार से मेरे देश के युवा को भी हर एक परिस्थिति से डटकर सामना करना होगा और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना होगा। सबसे पहले तो उन्हें लक्ष्यविहीन जिंदगी का अंत करना होगा, और वो ये देखें, वो सांस ले रहे हैं कि जिंदा हैं, उन्हें जिंदा होने का सबूत इस दुनिया को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये देश और ये भारत माँ हमारी है। तो देवदूत ऊपर से आकर के इसको तार देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं।